हेलो एवरीवन, प्रिया हियर, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो वे जैसे कि आप सबने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये आई मेकअप लुक आपके साथ शेयर करूं, और ये मेकअप लुक मैंने बहुत ही आसानी से क्रिएट किया है। और अगर आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए। चैनल अपडेट्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टा एंड फेसबुक पे, उसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आज का एक ग्रे स्मोकी आई मेकअप लुक अचीव करने के लिए आपको सबसे पहले आंखों के ऊपर एक न्यूट्रल शेड लगाना है। आप चाहे तो कोई भी आई शेडो लगा सकते हो, मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये भी अच्छी तरह से वर्क करता है, तो आप एक बार ट्राई कीजिएगा। आज का ग्रे स्मोकी लुक अचीव करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ सिवाना कलर्स का ये पैलेट, आई शेडो पैलेट। तो ये मैंने अमेजोन से खरीदा है, अगर आप खरीदना चाहते हो तो इसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पैलेट में आते हैं टोटल 12 शेड्स, कुछ मैट है, कुछ ग्लिटरी है, और जो डार्कर शेड्स आप देख रहे हो वो काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेड है और सारे शेड्स यूजफुल है। और ये जो स्पॉन्ज एप्लीकेटर आप देख सकते हो, उसकी मदद से आप आई शेडो अप्लाई कर सकते हो ईजिली। और आज मैं यूज़ करने वाली ये ग्रे कलर क्योंकि वो टी शर्ट से मैच होता है। आप चाहे तो इस स्पॉन्ज एप्लीकेटर का इस्तेमाल करके आई शेडो लगा सकते हो, बट मैं आज आपको बताने वाली हूँ फिंगर्स की मदद से आई शेडो कैसे लगाते हैं। कि आज का वीडियो है मेकअप बिगनर्स के लिए और उनके पास ब्रशेस वगैरह कुछ होते नहीं है, तो आप इस तरीके से इंडेक्स फिंगर के ऊपर कलर ले सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। ऑफ कैमरा जाके कुछ इस तरीके से मैंने बहुत ही आसानी से आई मेकअप क्रिएट किया है। ये आप किसी भी पार्टी के लिए कैरी कर सकते हो क्योंकि ये स्मोकी आई मेकअप लुक है। और अब हम देखेंगे कि ये सेकेंड वाला आई कैसे करना है। अब हम देखेंगे सिर्फ इंडेक्स फिंगर की मदद से ये आई शेडो कैसे अप्लाई करना है। सिंपली आपको आई शेडो लेना है फिंगर के ऊपर, फिर ये आई शेडो आपको आपकी आंखों के ऊपर अप्लाई करते करते स्प्रेड कर लेना है, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। इससे पहले मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स दिए थे, अब वर्टिकल स्ट्रोक्स दे रही हूँ। जब आप राइट से लेफ्ट की तरफ आई शेडो अप्लाई करते हो तो उसी टाइम आपको लेफ्ट से राइट की तरफ भी आई शेडो अप्लाई करना है, ताकि जो रिंकल्स क्रिएट होंगे आंखों के ऊपर वो सारे फील हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से आपको फिर आई शेडो अप्लाई करना है। तो ये आप देख सकते हो आईलैशेस की तरफ जो गैप दिख रहा है आपको, उसे फिल करने की अभी बारी है। इस गैप को फिल करने के लिए आपको इंडेक्स फिंगर का टॉप मोस्ट पोर्शन जो होता है उसे यूज़ करना है। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको अप्लाई करना है। हमेशा अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो तो लेफ्ट से आपको राइट की तरफ भी आना है, और हर एक गैप जो होते हैं वो फिल करना है। अब बारी आती है इस इनर कॉर्नर को फिल करने की, तो इसके लिए भी आपको इंडेक्स फिंगर ही यूज़ करना है, बट आपको कुछ थोड़ा सा क्रॉस होके ये अप्लाई करना है, जैसे अब मैं कर रही हूँ आप देख सकते हो। तो अभी ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो ये क्रीज लाइन आप देख सकते हो, ये जो डीप लाइन आपको दिख रही है वो क्रीज लाइन उसे बोलते हैं। तो उसके नीचे हमेशा आपको आई शेडो अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले आप जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना वो फिल कीजिएगा, और उसके बाद ही ये क्रीज की तरफ आप जाइएगा। अगर आप बिगनर हो तो इस तरीके से आपका आई शेडो क्रीज के ऊपर भी चला जाता है। प्लीज़ डोंट वरी, उसका भी सोल्यूशन मेरे पास है। और ये आप देख सकते हो जो इंडेक्स फिंगर का टॉप मोस्ट पोर्शन है, उसकी मदद से मैं ऊपर की हार्श लाइन ब्लेंड कर रही हूँ। ये इंपॉर्टेंट है, इस लाइन के ऊपर अगर आपका आई शेडो चला जाता है ब्लेंड करते समय, तो ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको कॉटन ईयरबड लेना है और ऐसे फिक्स करना है। वो सिर्फ आपको लाइन खींचनी है, जिस तरीके का आपका आई शेप है उसी तरह से आपको ऊपर से नीचे तक आना है, और सारा जो एक्स्ट्रा जो पोर्शन लगा है आई शेडो का उसे क्लीन कर लेना है। बहुत ही आसान है। ऑलमोस्ट 95% मेकअप तो हो गया है, बट अभी हम देखेंगे एक्स्ट्रा पार्ट, और उसके लिए मैं ले रही हूँ ये स्पॉन्ज एप्लीकेटर। अगर आपको आंखों के नीचे भी स्मोकी इफेक्ट देना है तो ही आप ये स्टेप कीजिएगा, नहीं तो आप लास्ट स्टेप पे भी रुक सकते हो। अगर आपके पास स्पॉन्ज एप्लीकेटर भी नहीं है तो आप इस तरीके से कॉटन ईयरबड से भी अप्लाई कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से बहुत ही आसानी से ऑलमोस्ट सिर्फ फिंगर्स का इस्तेमाल करके मैंने ये आई मेकअप क्रिएट किया है, और ये कैसा लग रहा है आप मुझे बताना जरूर नीचे कॉमेंट सेक्शन में। इसको इंटेंस लुक देने के लिए आपको मस्कारा लगाना है, एक या दो कोट सफिशियंट होंगे। स्मोकी आई मेकअप लुक हो और काजल ना लगाओ, ये तो बिल्कुल बात नहीं बनेगी। तो इस वजह से आपको आंखों को डिफाइन करने के लिए काजल अप्लाई करना है। मैं यहाँ पे लोअर और अपर वाटर लाइन पे काजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो ऊपर से आईलाइनर भी अप्लाई कर सकते हो। अगर जब भी आप कभी बोल्ड आई शेडोज या फिर डार्क आई शेडोज लगाते हो तो उस टाइम आपको आंखों के नीचे का जो एरिया है उसे हाईलाइट करना होता है, अदरवाइज अंडर आई एरिया डार्क लगने लगता है। तो इस वजह से मैंने मेबेलिन फिट मी कंसीलर अप्लाई किया है और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसे ब्लेंड कर रही हूँ। अभी मेकअप करते समय मैंने नोज़ को हाईलाइट नहीं किया था, तो इस वजह से अब कर रही हूँ। जब भी आप कंसीलर लगाओ तो उसे सेट करना इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो वो क्रीज हो जाएगा। तो इस वजह से मैं यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। ये रहा फाइनल लुक, और आप चाहे तो इस आई मेकअप को और ज़्यादा बोल्ड कर सकते हो और ज़्यादा इंटेंसीफाई कर सकते हो और एक कोट दे के आई शेडो का। ये रहा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा, यूज़फुल लगा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।